दूसरे दिन की शुरुआत होती है नारकंडा टू चिटकुल से। तो सुबह का मॉर्निंग हो रहा है, आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट करते के साथ ही मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैं निकल जाता हूँ अपनी बाइक के साथ चिटकुल की तरफ, और वहीं रास्ते में मेरे को मेरे दोस्त जो हैं मेरे को मिलेंगे। तो बीच रास्ते में अचानक से बारिश जो है काफ़ी तेज़ हो गई थी, फिर मेरे को अपने बाइक पे पॉलीथीन से उसे कवर करना पड़ा ताकि सामान उसके भीगे नहीं। और फिर एक लंबी सी राइड के बाद हम तुपका वैली एंटर कर चुके थे, तुपका वैली जो कि सांगला के पास है। और जैसे हम राइड कर रहे थे चिटकुल की तरफ जा रहे थे, तो अचानक से हमें ऐसा फील हुआ कि बारिश हो रही है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद देखे हमने तो हमें फिर पता लगा ये बर्फ़बारी हो रही है, स्नो गिर रहा है। ठीक है, तो साइड में हमने लगाई गाड़ी और उसके बाद देखा स्नो। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना स्नो हो रहा है, बहुत हाई लेवल पे, वो भी समर में इतने। तो ये बहुत हमारे लिए आश्चर्यचकित था। क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ी बर्फबारी जो है अब लेट हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप, मैं तो ये कहूँगा अगर आपको समर में भी स्नो देखना है तो आप चिटकुल ज़रूर जाइए। इतनी हो रही है कि मेरे को बाइक जो है साइड में लगा के रोकनी पड़ी और मैं वेट करता रहा स्नो का कब ख़त्म हो, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और चारों तरफ स्नो स्नो, आप देख सकते हैं स्नो स्नो से पूरी वैली ढकी हुई है। और फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ कि हम बाइक चलाने में हमारे काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, और फिर हमने वहीं आसपास रूम देखना शुरू कर दिया। लाइफ की मेरी पहली लाइव स्नो थी और फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ दोस्त थे मेरे जो उनको भी फर्स्ट टाइम देखा, उन्होंने खूब इन्जॉयमेंट कराया इस स्नो को, बहुत अच्छा लगा देखते हुए। और चारों तरफ वैली में बर्फ़ ही बर्फ़। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हसीन लम्हा होगा ये, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करने के बाद जब हमें लगा कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो हमने आसपास में ही होम स्टे खोजा, तो होम स्टे मिला बहुत अच्छा सा हमें। और आप देख सकते हो उसके अंदर का व्यू कितना शानदार लग रहा है, और यहाँ पे सिटिंग एरिया कॉमन है सबके लिए डिनर का, ठीक है। तो और बाहर का व्यू जो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा था वो बहुत ख़तरनाक लग रहा था, देखने में प्यारा है लेकिन एक्चुअल में बहुत ख़तरनाक है। तो आज का दिन हमारा इसी तरीके से कटा, बहुत अच्छा लगा।